नमस्कार। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्य रॉस टेलर ने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी में कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिससे न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ साथ भारत को भी झटके लगे थे। ब्लैक एंड व्हाइट नाम की इस किताब में उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट के खिलाड़ियों पर रेसिज्म का आरोप लगाया था। उसके बाद आईपीएल में उनको थप्पड़ पड़े, ऐसी बातों का भी इस किताब में जिक्र था। उन्होंने इस किताब में बताया था कि आईपीएल में एक मुकाबले में वो राजस्थान की तरफ से खेलते हुए किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ 0 रन पर आउट हो गए थे, जिसके बाद उन्हें उनकी टीम के किसी मालिक की तरफ से थप्पड़ मारा गया था। हालांकि ये थप्पड़ गुस्से में मारा गया था या मजाक में, इसका कोई खुलासा किताब में नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर लिखा है कि थप्पड़ जोरदार तो नहीं थे, लेकिन मजाक जैसा भी कुछ नहीं था। इसी पर बीसीसीआई की तरफ से अब रिएक्शन आया है। बीसीसीआई ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, आइए बताते हैं आपको। इस मामले में अभी तक आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन खुद को हमेशा पाक साफ दिखाने वाली बीसीसीआई का इस मुद्दे पर रिएक्शन सामने आया है। एक लीडिंग स्पोर्ट वेबसाइट के पत्रकार ने जब बीसीसीआई के एक अधिकारी से बात करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी, तो इस अधिकारी ने साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उस अधिकारी ने कहा, देखिए मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं अभी यात्रा कर रहा हूं, इसलिए मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। अब बीसीसीआई के ये महोदय कुछ भी कहें, लेकिन रॉस टेलर के थप्पड़ वाले आरोप के बाद बीसीसीआई इस मुद्दे को ज्यादा दिन इग्नोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और बीसीसीआई इसकी मुखिया है। ऐसे में लीग को लेकर कोई भी विवाद अच्छे संकेत नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बीसीसीआई इस मामले में कब और क्या कार्रवाई करती है। बीसीसीआई के साथ साथ राजस्थान ने भी इस मामले में अभी तक अपनी चुप्पी बरकरार रखी है। फ्रेंचाइजी के एक बड़े अधिकारी का कहना है कि वो इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान रॉयल्स का वो मालिक कौन है जिस पर रॉस टेलर ने ऐसे संगीन आरोप लगाए। हालांकि बहुत सी उंगलियां उस समय के राजस्थान के ओनर शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज पर भी उठ रही हैं। आपको क्या लगता है ये कौन हो सकता है, हमें अपनी राय जरूर बताएं।